किंग टू रहमानुल्लाह गुरबाज जो अफगानिस्तान के लिए ओपन करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त इवॉल्व होते हुए नज़र आए हैं अहमद रहमानुल्लाह गुरबाज। उनके अंदर अटैकिंग नेचर भी है, रुक कर भी खेलना जानते हैं। अगर बॉल सीम भी हो रहा होता है तो विकेट पर रुक कर बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, इसी वजह से इतना इफेक्ट है उनका पिछले 2-3 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में। अहमद देखिए, वो स्टबन नहीं है, उनको पता है कि जीतना कैसे है, उनको पता है कि पहले 6 ओवरों में अटैक करना है, वो ऊपर से शॉट्स मारने चाहते हैं। इस आप कोई भी एसोसिएट कंट्री उठा के देख लें, उनके प्लेयर्स रिस्क लेने के लिए तैयार है, इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं, इसलिए वो इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे जिनके हाथ में पाकिस्तान में क्रिकेट है पिछले 5 साल से, वो स्टबन है, उनका वो गेम प्ले ही नहीं है। उनको पता है कि वो ऊपर से मारेंगे वो आउट हो जाएंगे, वो सिर्फ ICC रैंकिंग्स और पर्सनल माइलस्टोन्स के पीछे चलते रहे हैं, इस पे छुपते रहे हैं। अब स्ट्राइक रेट्स की गेम है, अब इम्पैक्ट प्लेयर्स चाहिए, तो जब तक आपकी टीम में इम्पैक्ट प्लेयर्स है ही नहीं और वो लोग जिनमें अबिलिटी है ऊपर मारने की, तब तक वो आप रह जाएंगे इसी तरह पीछे। पूरी दुनिया आपसे आगे निकल गई है, 7वें नंबर की आप टीम हो गए हैं, इससे नीचे आपने अब कहाँ जाने की सोच रहे हैं, इससे नीचे कुछ नहीं होगा। तो अब ये टाइम, जिस तरह हमने पहले भी कहा, फैसले लेने का टाइम है, ये टाइम मुल्क को इंसाफ देने का है, उस डोमेस्टिक के बच्चे को इंसाफ देने का है जिसने एक टोले ने जो है ना उनको कोई चांस नहीं दिया। अब आप उनको लेके आए, उनको खिलाएं जो के मेंटली रेडी हो ऊपर से चांस लेने के लिए, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलने के लिए, और अपनी पर्सनल माइलस्टोन्स की वजह से जो आज आपने टीम का हाल कर दिया है, पहले राउंड से आपकी टीम बाहर हो गई है, पिछले 4-5 इवेंट्स में आप कुछ नहीं जितवा सके, आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनकी जो एवरेजेस हैं, उनके जो स्ट्राइक रेट्स हैं, एक मीडियोकर स्ट्राइक रेट्स हैं। नाउ इससे ज्यादा आप क्या चाह रहे हैं कि वो टीम को कहां ले जाए? अब आप चाह रहे हैं कि आप वो शुक्र अदा करें कि आप वो जो मेरी भी एक मासूम सी ख्वाहिश है, मेरी भी एक मासूम सी ख्वाहिश है, हम पाकिस्तान टीम को बहुत डिस्कस करते आए हैं, फिलहाल मेरी मासूम सी और मेरे प्रोड्यूसर की मासूम सी यह ख्वाहिश है कि हम टॉप 5 बैटर्स को जरा डिस्कस कर लें। मुझे बोला है कि क्या वजह है गुलबाज खान, सर यही वजह है, हमारा मेन इशू पाकिस्तान क्रिकेट ही रहेगा हमेशा। सर बिल्कुल सही है, बट इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट समवन, पाकिस्तान पे कुर्बान है, तो हमने आपको बता दिया कि दुनिया में प्लेयर्स अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं, वो मानते हैं उनमें एबिलिटी है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है, ये फर्क आ रहा है, इसलिए वो ग्रो कर रही है और हम पीछे रह गए। निकोलस पूरन इमरान दूसरे नंबर पर हैं टॉप स्कोरर्स के, आपको याद होगा निकोलस पूरन काफी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में हैं और बड़ा स्ट्रगल भी किया उन्होंने, इनिशियली सेटल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों से बहुत ज़बरदस्त उनके गेम में निखार नजर आया, बहुत अटैकिंग और बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, खासतौर पर अपने होम पर तो और भी ज़्यादा डेंजरस नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल दानिश, देखिए आप, हम दुनिया दूसरे प्लेयर्स की जरूर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनकी ग्रूमिंग भी तो आप चेक करें ना, उनका खेलने का स्टाइल चेक करें, उनकी सिचुएशन कैसी हैंडल करनी है आप उनको चेक करें। अब हम इन चीज़ों से, अहमद के साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यार हम इन चीज़ों से बहुत पीछे आ गए हैं, हमारे पास ओपनर्स नहीं है, ओपनर जाते हैं तो वो किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, आप नीचे चले। मेरा एक अहमद से, अहमद अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन अहमद एक चीज़ कि हमारे पास ओपनर्स है, हम इनको ओपनर बना लिया, हम इनकी सिलेक्शन अगर चेक करें पिच को चर्चा पीछे जाके, लेकिन ये ओपनर्स नहीं थे, ना रिजवान था ना बाबर था, लेकिन हमने ओपनर बना लिया, फखर ओपनर था, हमने उसको नीचे ले आए। ये चीजें देखे, हम अपने ग्राफ से बहुत नीचे हैं, हमारे पास जब तक हमें सिखाने वाला अच्छा नहीं होगा, हमारे पास प्लेयर्स अच्छे कैसे आएंगे डोमेस्टिक लेवल पे? एक सोशल मीडिया के क्लिप के ऊपर आप सिलेक्शन कमेटी कर लेते हैं, यार कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, एक अफगान बॉलर अहमद आपको टॉप पे नजर आएगा, अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, सबसे पहले तो फजलक फारूक, और बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल अब नज़र आता है फजलक फारूक में। वो कहते हैं ना कि बॉलर बैट्समैन का दिमाग पढ़ लेता है, कुछ ऐसा लगता है कि दिमाग पढ़ के बॉलिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका प्लस पॉइंट ये है कि वो तेज बॉल करते हैं और अपनी विकेट के बीच में से ही बॉल अंदर और बाहर लेके आते हैं, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। एक तो उनका क्विक काम एक्शन भी है जो कि एक बैट्समैन के लिए थोड़ा सा इतना ज्यादा ईजी नहीं होता उसको पिक करना। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये वो फजलक फारूकी है कि जिन्होंने बड़ा रगड़ा खाया है, जिन्होंने छिक्के भी खाए नसीम शाह से, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह इन्होंने अपनी जिंदगी में कमबैक किया है और जो परफॉर्मेंसेस ये ना सिर्फ इधर डिफरेंट लीग्स में भी दे रहे हैं, ये इनकी ग्रूमिंग है, ये इनका ये जो स्टैचर है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। वो लोग देखे चीजें, जो डिसीजंस लेने वाले हैं वो डिसीजंस ले रहे हैं, उन्होंने अपनी क्रिकेट इस तरह की चला रहे हैं, इस तरह के प्लेयर्स लेके आए हैं, जिस तरह पूरन की बात कर रहे थे या जिस तरह आप यू नो अफगानिस्तान टीम की बात कर रहे हैं कि जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, जो गेम बदल सकते हैं, आप टीम में उस तरह के लोगों को लाके बैक करते हैं, चांस देते हैं। आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, 25 मैच भी आपने उसको दे दिया, इट्स ओके, क्यों? क्योंकि वो गेम
गेम बदलना चाहते हैं, तो ये हमें इंपैक्ट प्लेयर्स अब लेके आने हैं। ये जमाना आप जितने भी लेजेंड्स की बातें सुनेंगे या जो गेम को समझते हैं वो अब आप स्टैट पैटर्न से दूर चले गए हैं। स्पेशली पहले 6 ओवर्स में आप दुनिया के जो प्लेयर्स उठा के देखेंगे सिवाय पाकिस्तान के आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि जो के जो है ना नीचे नीचे खेलते हैं। तो दुनिया के साथ साथ दुनिया इन्वॉल्व कर रही है और जो लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं हम आज बैठ के उनकी तारीफें कर रहे हैं। देख ले हम अब काश यही तारीफें हम अपने बैट्समैन और अपने बॉलर की कर रहे होते। अच्छा अहमद, जो हम माजी में देखते थे कि एक लड़का नेट पर आया वहां से सिलेक्ट हो जाता था और टेस्ट मैच खेल जाता था, तो क्या हमारे पास वो आंख नहीं है जो टैलेंट को परख सके, या इसके पीछे कोई और रीजन है? भट्टी साहब देखें, ये जो 3-4 मिसालें हमें मिल गई है ना, इसने भी हमें डुबो दिया है। इस चक्रों में 500 लड़के सिलेक्ट हो चुके हैं लेकिन बना कोई नहीं है। हर बंदा यहाँ पे एक ही शख्स बनना चाहता है जिसका जो है ना आपको सब पता है कौन बनना चाहता है। तो ये क्राइटेरिया नहीं होता, आंख कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने स्टैट्स देखने हैं, आपने देखना है कि आपके मुल्क के लिए कौन बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे सकता है। आपने नाम नहीं देखने हैं कि फॉर एग्जाम्पल बाबर आजम है मोहम्मद नहीं, कौन आर द टेस्ट, बच्चा भी कोई अच्छा खेल रहा है आप उनको लेके आए, आप उनके स्टैट्स तो देखें T20 क्रिकेट में किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। आज मुल्क का ये हाल कर दिया कि पहले राउंड से इस कॉम में उम्मीदें लगा के रखी हुई थी और तरह तरह की बातें दानिश निकलने में सुनने में आ रही है। कैरी कस्टन कुछ कह रहे हैं, प्लेयर्स एक तरफ जा रहे हैं, आपके सर्कल में प्लेयर एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। आप हमारी बात कर रहे हैं, मैं आपको एक और बात बता दूं, टीम के अंदर में से प्लेयर जो हम बातें कर रहे हैं वो बातें कर रहे थे कि हाँ यार हमें ये स्ट्राइक रेट से नहीं जीत सकते, हमें अपनी गेम अपलिफ्ट करनी है, और वहां से बैट्समैन कह रहे थे बॉलर्स को कि इस बॉलिंग से हम नहीं जीत सकते, हमने अपनी बॉलिंग अपलिफ्ट करनी है। तो आप मुझे बताएं जहां पे बैट्समैनों का बॉलर पे, बॉलर का बैट्समैनों पे यकीन नहीं है, कप्तान के पीछे कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है, वो टीम किस तरह मजाक करके आ रही है? तो ये मजाक ही बन रहा है इतनी देर से टीम का, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है इमरान, ट्रेंट बोल्ट का हमने जिक्र किया, दूसरे नंबर पर है टॉप 5 बॉलर्स की लिस्ट में और 4 मैचेस में 9 विकेट हासिल किए हैं, इवन दो न्यूजीलैंड पाकिस्तान की तरह हार हो गया पहले मरहले से ही, बट ट्रेंट बोल्ट की भी क्या स्टोरी है। क्विकेस्ट बॉलर थे जब नए नए आए थे, फिर किस तरह इवॉल्व हुए, उनकी पेस कम होती रही, फिर वो लाइन और लेंथ पर फोकस करना शुरू हुआ और अभी भी सक्सेसफुल हैं। व्हाट अ करियर ही इज हैड इमरान। बिल्कुल नो डाउट, और ऐसे कैरियर मेरा ख्याल है कि बहुत कम बॉलर्स होते हैं और उन्होंने बड़ा कंस्ट्रक्टिव परफॉर्मेंस दी है, और जिस तरह वो बॉल करते हैं और स्पेशली देखे बॉलर्स का क्या है लाइन और लेंथ, और अगर मैं फरूकी की ही बात करूं तो आई थिंक मेरे ख्याल में जिस तरह वो देखे आपका स्टैंड बॉल और तगड़ा स्ट्रॉन्ग बॉल क्या है लाइन और लेंथ पे हॉपिंग स्विंग करना, और अभी तक फरूकी ने वही किया। अगर वहीं से आप वो कहते हैं राउंड द विकेट करते हैं तो वहीं से भी वो बाहर निकाले, लेकिन उसकी एक्यूरेट चीज क्या है वो है लाइन और लेंथ, जो चूंकि हमारे बॉलर्स में खैर अभी तक देखने को नहीं मिली। ट्रेंट बोल्ट की बात है, देखे ऐसे बॉलर्स देखे लाइफ टाइम होते हैं और जो आके उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी और स्पेशली फिटनेस के ऊपर। अच्छा ये मैं एक चीज छोटी सी ऐड कर दूं कि हम आंख की जो बात की थी बड़ी साहब ने, देखे बात वही है बड़ी साहब, टाइम भी खत्म हो गया इमरान, तो हम कर लेते हैं लेकिन हमारा फर्क क्या है कि हम लोग बनाते नहीं है, ग्रूम नहीं कराते।